देखो यदि आपसे बात किया जाए कि अगर पिता के बात किया जाए, जनक के बात किया जाए, आप याद रखिएगा विज्ञान में आज विज्ञान में आपको जनक बोले, पिता बोले, ठीक है। इस तरह से जब भी जब कोई आदमी जवाब करे तो आप लोग निश्चित होकर के ये बोल सकते हैं कि विज्ञान के अगर पिता बोला जाए, सिर्फ विज्ञान के, याद रखिए, तो आप किनका नाम लेंगे? गैलीलियो साहब। गैलीलियो साहब, गैलीलियो साहब जो थे वह क्या थे? विज्ञान के पिता थे। अगला हम बात करें अल्बर्ट आइंस्टाइन जो थे वह आधुनिक विज्ञान के थे। बच्चा सब कंफ्यूज होता है कि विज्ञान के कौन है और आधुनिक विज्ञान के कौन। याद रखिए आधुनिक का मतलब होता है नया, आधुनिक का मतलब होता है नया, नया आधुनिक का मतलब होता है नया का, और प्राचीन का मतलब होता है पुराना। आधुनिक का मतलब नया और प्राचीन का मतलब पुराना। तो अगर पुराने विज्ञान के यानी सबसे पहले अगर विज्ञान के अगर पिता की बात किया जाए तो सबसे पहले खोज किए हुए विज्ञान का गैलीलियो साहब, गैलीलियो साहब किए हुए। अगर दूसरे बात यानी आधुनिक विज्ञान यानी नया विज्ञान यानी कहने का मतलब थोड़ा सा डीपली साइंस में मतलब डीप तो वो किए हुए थे आधुनिक विज्ञान का। यदि खोज की बात करें या आधुनिक विज्ञान के पिता का बात करें तो आप अल्बर्ट आइंस्टाइन, अल्बर्ट आइंस्टाइन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्बर्ट आइंस्टाइन। आगे बढ़ते हैं। अगर आप सीधे अगर भौतिक के पिता का है, भौतिक फिजिक्स के पिता, तो फिजिक्स के पिता कहा जाए तो आप याद रखिएगा फिजिक्स के पिता जो है सर आइजक न्यूटन साहब, सर आइजक न्यूटन साहब। और सर आइजक न्यूटन और इनके साथ एक और थे जिनका नाम है गैलीलियो साहब, यानी सर आइजक न्यूटन और गैलीलियो साहब दोनों आदमी मिलकर के क्या किए थे? भौतिक विज्ञान का पिता बने, यानी भौतिक विज्ञान का खोज किए थे, भौतिक विज्ञान का पिता बने, यानी भौतिक विज्ञान का जनक बने, यानी जो खोज किया वही जो है कि पिता बन गया, जनक बन गया। आगे बढ़ते हैं। जीव विज्ञान के पिता पर बात किया जाए तो जीव विज्ञान के जो पिता होता है यानी बायोलॉजी के जो पिता है, बायोलॉजी के पिता जो है अरस्तु। बायोलॉजी के पिता कौन है? अरस्तु। बहुत अच्छा। बायोलॉजी के पिता अगर बात किया जाए अच्छा अरस्तु जो है यानी जीव विज्ञान के पिता है। और इनके साथ साथ यानी और लोग थे जिनका नाम था लेमार्क और फ्रेविनेनस, यानी लेमार्क और फ्रेविनेनस भी मिल करके क्या किया? जीव विज्ञान की खोज की, जीव विज्ञान का खोज की। सबसे पहले अगर बात किया जाए तो सबसे पहले अरस्तु साहब किए हुए, सबसे पहले जीव विज्ञान का अगर यानी बायोलॉजी का जो जनक माना जाएगा तो बायोलॉजी का जो जनक है वो है हमारा अरस्तु साहब। अगला रसायन विज्ञान के जनक, रसायन बोले तो केमिस्ट्री, ठीक है, रसायन बोले तो केमिस्ट्री। और केमिस्ट्री में जो पिता होंगे केमिस्ट्री के यानी रसायन विज्ञान के जो पिता होंगे वो होंगे रॉबर्ट बॉयल। रॉबर्ट बॉयल जो है वो है रसायन विज्ञान के पिता है। रसायन विज्ञान के अगर पिता की बात करें तो वो है रॉबर्ट बॉयल। अच्छा अब हम फिर आपसे बात किए हैं आधुनिक रसायन, आधुनिक बोले तो नया, आधुनिक बोले तो नया, प्राचीन बोले तो पुराना, प्राचीन बोले तो पुराना, आधुनिक बोले तो नया। तो आधुनिक अगर बात करें यानी आधुनिक रसायन विज्ञान की हम बात करें, आधुनिक रसायन विज्ञान के पिता कौन है तो आप बोलिएगा क्या बोलिएगा? एंटोनी लवाजिया। एंटोनी लवाजिया। क्या बोलिएगा? एंटोनी लवाजिया। ये चीज आपको याद रखना, आधुनिक और रसायन। देखिए रसायन और आधुनिक, आधुनिक और रसायन में बहुत कंफ्यूज हो जाता है बच्चा। अगर सीधा अगर आपसे पूछे कि रसायन विज्ञान के पिता कौन है या रसायन विज्ञान के जनक कौन है तो आप बोलिएगा रॉबर्ट बॉयल। अगर आधुनिक लगा दिया जाए, आधुनिक अगर लगा दिया तो आधुनिक जब ये लगा दिया तो आप बोलिएगा एंटोनी लवाजिया। एंटोनी लवाजिया। लवाजिया
क्या बोलिएगा? एंटोनी दाजिया। बात समझ गए? जी सर। चलिए ठीक है।